हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस डिज़ाइन में आप पूरा स्वेटर बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा जाली भी नहीं आई है, बहुत जल्दी बन जाता है डिज़ाइन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बना के दिखाऊँ तो बहुत सारे कॉमेंट करके बताएँ। और हाँ, देखने में आपको ये टफ़ लग रहा है बट ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब तक हमने जितनी भी वीडियो अपलोड की है, सबसे ज़्यादा सरल डिज़ाइन है, जाली भी कम आती हैं। तो इसमें स्वेटर, शॉल, मफलर और जैकेट, हाफ जैकेट बना सकते हैं। तो अगर स्वेटर बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। मतलब आज अगर आप लोगों ने कमेंट किए तो 2-3 दिन में ही आपको वीडियो इसका मिल जाएगा, और हो सकता है कल ही मिल जाए आपको वीडियो। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे फूल बनकर आए हैं, देखिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले चेन बना लेनी है। तो आपको चेन जो बनानी है ना, वो 4 के हिसाब से चेन बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके पास वाली चेन में भी बनाएंगे। हमने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। अब देखिए, फर्स्ट रो में हमें पूरी रो डबल क्रोशिया से बनानी है। जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो पूरे रो हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। अब देखिए, फिर से इसके पास वाली चेन में भी बना लिया हमने। दो सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाई, एक चेन छोड़ेंगे और इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़नी है और सेकंड वाली चेन में इसको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। 1 2 3, एक चेन छोड़ेंगे, इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे। 3 चेन लेके फिर एक चेन छोड़ के फिर ज्वाइन करना है। फिर 3 चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, तो सिंपल है। 3-3 चेन लेनी है, एक चेन छोड़ के इसको ज्वाइन करते जाना है। लास्ट में देखिए, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ कर इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे। इसके पास वाली चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 2 हो जाएंगी लास्ट में और 2 हो जाएंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने इस तरीके से जाली बना ली है। अब हम 1 2 और 3 चेन लेके इसको घुमाएंगे और इसके पास वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और चेन को काउंट कर लिया तो 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई, ठीक है। अब देखिए, जो हमने जाली बनाई है, एक जाली छोड़कर, ये वाली जाली हम छोड़ेंगे और इस वाली जाली में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे निकाले, फिर ये 2 निकाले, ठीक है। तो इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। अब 3 चेन लेकर देखिए इस जगह डालकर और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आ जाएगा, देखिए। फिर इसमें डाल के फिर से सेम बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसमें डाल के इसको इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। 2 बार हो गया, 3 चेन और इस जगह डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना ली, तो हमने डिज़ाइन ऊपर आ जाएगी। 3 बार हो गया, 4, 3 चेन इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, ठीक है। 4 हो गई, वापस इसी जगह डाल के और एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गई हैं। इस तरीके से फूल बनेगा, 5 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। अब देखिए, फिर से हम एक जाली छोड़ेंगे, एक जाली छोड़ के इसमें डाल के 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 वापस इसी जगह डालेंगे और फिर से एक बार इसी जगह डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, देखिए। फिर से हमें ये वाला फूल बनाना होगा। तो देखिए, फिर से हम एक जाली छोड़ेंगे और इसके पास वाली जाली में डाल के पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन लेकर
2, 3 इस जगह डाल के इसको इस तरीके से बना लिया, ठीक है। वापस इसी जगह बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे पास, 3 चेन, और इसमें डालकर इस तरीके से बना लिया। फिर वापस इसी जगह डालेंगे, 3 हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3 चेन इसमें डालकर इसको बना लिया, 3 बार हो गई। और ये 4, 3 चेन इस जगह डालकर इसको इस तरीके से कर लिया, और ये लास्ट बन 5, 5 बार हमें बनाना है। 3 चेन लेकर यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लेंगे तो ऊपर ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। तो 2 बार हमने फूल बना लिए। अब फिर से हम एक जाली छोड़कर यहाँ पर एक जाली छोड़ेंगे और इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो फूल के साइड में फूल बनाने से पहले हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फूल बनाने के बाद बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बना लिया, फिर फूल बना के और फिर से हमने बना लिया। तो इस तरीके से हमने 3 बार फूल बनाए हैं। सिंपल है, एक जाली छोड़कर हमें फूल बनाना है, फिर जब फूल कंप्लीट हो जाएगा फिर एक जाली छोड़ के हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक जाली छोड़ के फूल बनाना है। इस तरीके से बनाते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब लास्ट में हमने एक जाली छोड़कर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और ये 2 बार बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। तो हम आपको पैटर्न बना के दिखा रहे हैं, और जब आप पूरा स्वेटर बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अब देखिए, एक चेन लेके फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें बना लिया, 2 हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं, तो हम देखिए इसमें डाल के एक बनाएंगे 3 चेन पहले लेंगे हम, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर 2 हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब हम 3 चेन बना के, अब देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है ना, तो एक फर्स्ट वाली हम छोड़ेंगे, इसमें डालकर हमें इसको ज्वाइन करना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर से एक जाली छोड़ेंगे और इसमें डाल के बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर एक छोड़ेंगे हम, इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाले में एक बनाया, ठीक है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाली छोड़ के इसमें डाल के यहाँ पर बनाएंगे। फिर से देखिए 3 चेन बनाएंगे हम, 1, 2, 3, फिर एक छोड़कर और इसमें डाल के बनाएंगे, ठीक है। फिर से 3 चेन, और यहाँ पर एक फिर से हम छोड़ेंगे, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, उसके पास वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 चेन, 1, 2, 3, यहाँ पर 5 हैं, तो फर्स्ट वाली छोड़कर और सेकंड वाले में डाल के इसको इस तरीके से बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर 3 चेन, फिर एक छोड़कर यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन, फिर एक छोड़कर, और यहाँ पर 2 हैं, तो 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से आपको दिखेगी डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से बन जाएगी। तो अब हम फिर से देखिए 3 चेन लेकर और चेन को काउंट किया, तो 1 डबल क्रोशिया हो गई, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब फिर से हम एक जाली छोड़ेंगे, एक जाली छोड़कर इसको छोड़कर इसमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इसमें डालकर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 1 बार हो गई, 2, 3 चेन यहाँ पर डाल के इसको ज्वाइन कर लिया, 3, 3 चेन यहाँ डाल के इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 4, 3 चेन और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया, 5, 1, 2, 3, 3 चेन यहाँ पर डाल के इसको ज्वाइन कर लिया। तो फिर से हमारा फूल के ऊपर फूल आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए फिर से एक जाली छोड़कर हम
और जो हमने ये दो बार डबल क्रोशिया बनाया था इसमें बीच में डालेंगे इसके अंदर और दो बार बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया वापस इसी जगह डाल के एक और बना लिया, दो हो गई हमारे पास। ठीक है, अब फिर से देखिए हम एक जाली छोड़ेंगे, एक जाली छोड़कर यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, तीन चेन इसमें डालेंगे, इसको ज्वाइन कर लिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, तीन चेन फिर से डाल के इसमें बना लिया, फिर से देखिए तीन चेन इसमें डाल के फिर से बना लिया, फिर देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, चार बार हो गया और लास्ट पांच। तो दो रो की डिज़ाइन है, एक में हमें डिज़ाइन बनानी है और इसके अगली रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है तीन चेन लेकर, जैसे अभी हमने बताया था सेम वैसे ही। अब देखिए फिर से इसमें डाल के हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बहुत सरल है डिज़ाइन, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और इस रो को हम बनाने के बाद आगे दिखाते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाने के बाद अगली रो में फिर से हमें रिपीट करना है। देखिए पूरी डिज़ाइन हमारी बन गई है, इसके बाद फिर से हम तीन तीन चेन लेके और जाली बनाएंगे जैसे अभी हमने बताया था। ठीक है, तो बनाने के बाद फिर दिखाते हैं। इस तरीके से हमें जाली बनानी है। देखिए दो सिंगल क्रोशिया के बाद हमने तीन चेन लेकर और यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए तीन चेन लेके पाँच हमने बनाई है, तो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट चेन को छोड़ के इसमें सेकेंड वाली में डालकर इसको ज्वाइन करना है, तीन चेन फिर एक छोड़ेंगे हम इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, फिर से तीन चेन फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें दो बार, यहाँ पर दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक इसके पास वाले में बनाएंगे दो, फिर तीन चेन लेकर एक दो तीन, तीन चेन लेकर यहाँ पर देखिए पांच हैं तो फर्स्ट वाले छोड़ेंगे सेकंड वाले में डाल के बनाएंगे, तो इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पूरी डिज़ाइन हमारी बन गई, बहुत प्यारी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी प्रेस करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।